हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, अभी 8 बज रहा, सोचे सुबह सुबह निकल जाते हैं, इनका चेकअप भी कराना है। दवाई खा रहे हैं फिर भी इनका वो ठीक नहीं हो रहा है, स्किन वाला जो बीमारी हो गया है। हाँ, मुझे पता था कि चिकन खाने से हो रहा है, मछली या मुर्गा खाने से हो रहा है, लेकिन स्वाति मछली मुर्गा खाने से भी थोड़ा तेज हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ऐसे भी हो जाता है। तो सोचे हम लोग डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा, तो चलिए हॉस्पिटल में चलते हैं। हम लोग BHU में तो पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं ये यहाँ पे बाइक पानी ले लिया है। चलो पहले 101 में पर्ची कटाया जाए, इनका नया पर्ची कटवाना पड़ेगा क्योंकि पहली बार आ रहे हैं चेकअप के लिए। तो चलिए पहले चलते हैं 101 में। वो तो बैठ चुके हैं 101 नंबर के अंदर, देख सकते हैं ये रहा रूम नंबर 101। तो चलिए अंदर चलते हैं और पर्ची कटवाते हैं। पहले दूसरे हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए लाइन में, दोस्त देख सकते हैं लगभग आधा घंटे से हम लगे हुए हैं और 1 घंटा लगभग लगेगा। आज सोमवार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये तो यहाँ पे लाइन में लगे हैं। तो चलिए कहीं पे हम तब तक बैठते हैं जब तक ये लाइन में लगे हैं, पर्ची कटा लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे चेकअप के लिए। तो काफी देर लाइन में लगने के बाद ये पर्ची काफी अपना देर 1 घंटा लग गया था। तो पर्ची कटवा ली है, हम लोग जा रहे हैं देखने कहाँ पे स्किन के डॉक्टर बैठते हैं, पूछताछ देख लो। इसी में चलो चलते हैं, दो सौ सात दिया हैं, लिखे हैं 207 में जाने के लिए। चलो सर ऊपर बोले हैं, चलो तो चलिए हम लोग चलते हैं 207 नंबर में। दोस्तों हम लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं स्किन डॉक्टर में, देखते हैं इतना सारा लोग लगे हुए हैं, पता ना कब हमारा नंबर आएगा। तो हम लोग डॉक्टर को तो दिखा लिए और वो बोले हैं कि चिकन खाने से नहीं हो रहा, कुछ खाने पीने से नहीं हो रहा, ये छोटा सा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। कुछ दवा लिखे हैं, वो तो बोले हैं कि हम दवा लिख रहे हैं, खूब दबा के चिकन खाओ। दो दवाई लिखे हैं, बोले हैं 1 महीना चलाने के लिए। हाँ। अब बोले हैं खत्म होगा, उससे 2 दिन पहले आके हमसे मिलिएगा, तो फिर दोबारा उनको दिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने इनके लिए। जो दवाई लिखे हैं देख लीजिए, गए थे अंदर दवा लेने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे दवाई नहीं था, वो बोले बाहर से लेना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, देख के लंका पे कोई मेडिकल से ले लेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं लंका चौराहा और देख सकते हैं ये गए हैं एक मेडिकल में लेने के लिए दवा ले रहे हैं यहाँ से 1 महीना के ले लेंगे, 20 दिन के। 1 महीना बोले हैं चलाना ही है तो ले लीजिए। हम सोच रहे हैं ना पहले 10-12 दिन चाहे 15 दिन के ले लें ना, फिर उसके बाद आकर कभी कुछ दिन के बाद तो लेना ही है, तो ले लेते हैं भैया। हम लोग यहाँ से दवाई तो ले लिए, देख सकते हैं हम लोग का दवाई पड़ा है 540 रुपये का, 15 दिन का दवाई लिए हैं सिर्फ, 30 दिन का हम लोग नहीं लिए। तब अब ये लेके हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर को एक बार दिखा लेने, क्योंकि बोले थे दवा लेके आइए हमको दिखा दीजिएगा। सर सुंदरलाल चिकित्सालय बड़ी महक रहा है ना, हाथ पे तो है नहीं। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे अपना दवा दिखाने, तो आप कहाँ से? Now I came to see a doctor. Yes. Just I can understand about Hindi. I don't know Hindi, sir. I thought it was okay. Now in his channel, we search. What is his channel? What do you do? Traveling. This is blogging channel. Okay. हमने का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, फैड राउट से नाम से इनका चैनल है, फैड राउट से। ये दिस इज माय चैनल। यस आई कीप चर्ट सो हां आई कीप चर्ट यस कीप ओके नाउ आई एम गोइंग टू बाय द मेडिसिन सो सी यू नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर के दवाई तो दिखा दिए, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और डॉक्टर बोले हैं कि 2 दिन पहले 1 महीने के बाद 2 दिन का मतलब सिर्फ दवाई रहेगा, तो आइएगा एक बार और चेकअप के लिए, उस टाइम आना है। अब 1 महीने का तो छुट्टी हो गया, दवाई नहीं दी है, कोई चेकअप तो इनको नहीं हुआ, बस देख कर ही दवाई लिख दिए थे। तो हम लोग हॉस्पिटल से तो आ गए और काफ़ी थक भी गए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज किया है। इनको देख सकते हैं बाइक लगा रहे हैं। चलो
पानी देख रहे खोल रहा है, गर्म हो गया है, उसी में चावल बना देंगे। चलिए रूम में चलते हैं, काफी थक गए, बहुत ज्यादा भूख किया है, बाप रे। तो हम लोग हॉस्पिटल से तो चेकअप करा के आ गए और सुबह में बस नाश्ता करके निकल गए थे तो भूख भी लगा है। और देख सकते हैं आशी दीदी बना के दी हैं छोले यहाँ पे, ये देखिए चने के छोले हैं, तो वो छोला बना के अभी दी हैं गरम गरम, तो सोचे चावल बना लेते हैं और दोनों लोग खा लेंगे। हम यहाँ पे कुकर में चावल बैठा दिए हैं, खाना बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए छोला चावल, छोला चावल, वो छोला चावल बोल रहे हैं, छोला भटूरा वाला याद आ रहा है। हॉस्पिटल से आए तो सोच ही रहे थे क्या बनाए, तब तक दीदी गरम गरम छोला बना के दे दी, तो सोचे चावल बना लेते हैं। तो हम खाना खा के थोड़ा देर आराम कर रहे थे, हम सोचे थोड़ा देर सो लेते हैं क्योंकि थक गए थे हॉस्पिटल से आए तो, और आँख लग गया और टाइम ज़्यादा हो गया और रात जैसा हो गया है, सोचे बाहर जाके थोड़ा डाब भूख पी लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाब पीने के लिए और टाइम का बात करें तो 7:30 हो गया है। डाब है भैया डाब, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं और डाब पी रहे हैं, देख सकते हैं। तो अब हम दोनों लोग आ चुके हैं एक राशन की दुकान पर, जहाँ से हम लोग को कुछ दाल और सब्जी लेना है। क्या ले रही है, क्या का दाल लेना है और एक कॉलम लिए है और कुछ हरा सब्जी भी यहाँ से लेंगे, तो मिक्स दाल ले रहे हैं सब चीज थोड़ा थोड़ा। हम लोग सारा राशन का सामान तो ले लिए और देख सकते हैं ये कैरेट उठा लिया है डिग्गी में रखने के लिए, तो इसको डिग्गी में रख के फिर कैरेट हम लोग रख देंगे। ये लेकर तुम पकड़ बैठ जाना, पानी हटाइए दो पहले, चीनी 1 किलो ले लिए हैं हलवा बनाने के लिए, रख दिया। तो हम लोग राशन तो ले लिए और घर के लिए निकल रहे हैं। देख लीजिए दोस्त हम सामान कैसे लिए, इधर दिखाओ स्वाति, देख रहे हैं ना, और इसमें हम बोतल लटकाए हैं हैंडल में। दोस्तों हम लोग मार्केट से तो आ गए और देख सकते हैं सामान सारा निकाल रहे हैं। चलो चलो चलो, देखा हम सहेली लोग से मिल लो। माचिस मिलेगा तो इतना ही था ना। चलो क्या बनाइए खाना, पराठा और सब्जी बना दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 आइटम है, देखो तो ये 1, 2, 3, 4 सारा खाना बन के रेडी हो चुका है और हम पराठा और सब्जी ही बना लिए, देख सकते हैं बैगन आलू का सब्जी और गरम गरम पराठा है। तो हम लोग खाना तो खा लिए और आज गए थे इनका चेकअप के लिए, वो तो हो गया है, डॉक्टर बस दवाई लिख दिए 1 महीने का और बोले हैं दवाई ख़त्म होने से 2 दिन पहले आके एक बार और मिलने के लिए। और हम लोग सोच रहे थे चिकन के वजह से हुआ है, तो वो भी चिकन उकन खाना इनको अलाउ कर दिए हैं, डॉक्टर बोले हैं हर कुछ खाने के लिए। और मुझे भी जाना है अपना LFT चेक कराने, क्योंकि डॉक्टर 2 हफ्ते बाद हमको बुलाई थी कि तुम्हारे LFT में कुछ प्रॉब्लम हो गया, दोबारा चेकअप कराना पड़ेगा। तो अभी तो दवाई दी थी तो हम खा रहे थे, तो कल जाएंगे चेकअप के लिए, अब देखिए क्या होता है। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।